अतः हम अभी नहीं आ सकते। ठीक ही तो कह रहे हैं, मिथिला नरेश छोड़ेंगे तो ही आएंगे ना। परंतु हमारा भी ध्यान रखना चाहिए, प्रतीक्षा करते करते आंखें थक, कब बारात लौटेगी, कब बहुओं का मुख देखेंगे। हम सारे अयोध्या नगरी प्रति बारात की वापसी के लिए सज धज कर तैयार रहती है, और सांझ होती ही मन महसूस कर रह जाती है। हर एक की दृष्टि मिथिला आने वाले रास्ते पर लगी है। हम भी एक विशेष दूत महाराज की सेवा में भेजेंगे, निवेदन करेंगे बहुत हो चुकी प्रतीक्षा, शीघ्र ही बहुओं को विदा करा कर ले आइए। परंतु महाराज वो जनक महाराज का हृदय नहीं है। आप भी दीदी सदा आदर्श की ही बात है, भला इसमें वचन हारने की क्या बात होगी। हम वर पक्ष वाले हैं, हम जैसे ऐसा चाहेंगे कन्या पक्ष वालों को वैसे ही करना पड़ेगा। नहीं नहीं आरिश्वर, हम अपने मुंह से महाराज जनक से अधिकार जताकर नहीं कह सकते कि हम वर के पिता हैं। आप अपनी पुत्री को विदा कीजिए। राम एक पल के लिए हमसे अलग होता है तो हमारे हृदय को जो पीड़ा होती है उसका अनुभव हमें है। फिर जनक को तो अपनी बेटी को सदा के लिए विदा करता है, उनकी पीड़ा का अनुमान कौन कर सकता है। आपके मन की कोमल भावना अपने स्थान पर उचित है महाराज, परंतु उस भावना के आवेग में हम ये नहीं भूल सकते कि आप एक राज्य के शासक भी हैं। इतने दिनों तक राज से दूर रहना उचित नहीं लगता। अरे भैया जल्दी जल्दी करो ना, हम सुना है डोली आज विदा हो जाएगी। अरे भैया डोली तो तभी उठेगी ना जब अपने महाराज जनक जी मान जाएंगे। इतना दिन से महाराजा दशरथ जी जमांगते हैं, पर वो जो अपने राजा जी है ना जनक जी, दोनों न दोनों बहाना करके रोक ही लेते हैं। अरे भैया जहाँ तलक